हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कविता समर्पण। समर्पण कविता के कवि हैं रामावतार त्यागी। इस कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम का भाव प्रकट किया है, लेकिन वे अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने इस देश की धरती को कुछ और भी दें। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगी, फिर उसका आपको अर्थ बताऊंगी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरा तन, मन और जीवन देश के लिए समर्पित है, लेकिन अपना सर्वस्व समर्पित करने के बाद भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि के लिए चाहता हूँ कि कुछ और भी दूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल मैं जब भी, कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि उसने जिस धरती पर जन्म लिया है उसका ऋण उसके ऊपर बहुत है, क्योंकि उसने इसी धरती पर जन्म लिया, यहीं पर खेल कूद कर बड़ा हुआ और यहीं की हवा पानी में उसने अपना जीवन बिताया है, पर इसीलिए वह महसूस करता है कि इस धरती का उसके ऊपर बहुत कर्ज है और उसके बदले में वो बहुत चीज़ें नहीं कर पा रहा है, पर उसके बावजूद वो कहता है कि मैं सब कुछ देकर भी किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, यानी वो धरती से, अपनी मातृभूमि से ये निवेदन कर रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं अकिंचन हूँ, तुच्छ हूँ, दरिद्र हूँ, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर बहुत है, पर फिर भी मैं तुमसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब वे अपना मस्तक थाल में सजा कर लाएं तो वह दया करके उसे स्वीकार कर ले। अर्थात जब वह अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटे तो देश उसके इस समर्पण को दया करके स्वीकार कर ले। क्लियर हुआ सबको? चलिए कविता की दूसरी पंक्तियाँ। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि ने आगे क्या कहा है? कवि कहते हैं कि वे अपने गीत अर्थात जीवन के हर खुशी, अपने प्राण, अपने शरीर का एक एक कण, एक एक रक्त की बूंद, वो सब कुछ देश को समर्पित करना चाहते हैं। समर्पित कर दिया है पर उसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि देश की इस धरती को कुछ और भी दें। अगली पंक्तियां हैं कवि की। माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। एक बार फिर से पंक्तियां। माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि वह अपनी देशभूमि के लिए, देशभूमि की रक्षा के लिए कमर कस के तैयार है। वह जल्द से जल्द अपनी तलवार को माज देने को कहता है। माज देना मतलब तलवार की धार को तेज करने को कहता है और कहता है कि मेरी कमर पर ढाल बांध दो। इस तरह से वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं
और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि भाल पर, भाल यानी मस्तक पर, उनके मस्तक पर देश की चरण की धूल यानी मातृभूमि की धूल को थोड़ा सा उनके भाल पर लगा दो, इससे उनके शीश पर उस अपनी मातृभूमि की आशीष की छाया रहेगी। यानी भाल पर उनके मस्त, जब हम चरण धूल लगा देगा कवि तो उसे लगेगा कि उसकी मातृभूमि ने उसे आशीर्वाद दिया है। अगली पंक्तियां हैं कविता की, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आगे कवि ने कहा है कि वह अपने देश के लिए अपने सपनों को भी अर्पित करना चाहता है। सपनों को अर्पित करना यानी हर एक व्यक्ति अपने लिए सपने देखता है, उसकी कुछ कुछ इच्छाएं होती हैं, पर वो सब कुछ अपने देश के लिए अर्पित करना चाहता है। वो चाहता है कि अपनी उम्र का, अपनी आयु का एक एक क्षण भी इस देश के लिए समर्पित कर दे। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि वह अपनी मातृभूमि के लिए अपने स्वप्न यानी अपनी सारी इच्छाएं त्याग देना चाहता है, और वह अपने सभी प्रश्न, सभी आयु के जितने भी आयु का क्षण है वो मातृभूमि को समर्पित करना चाहता है, लेकिन फिर भी वह तुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं होता है, और वो चाहता है कि देश की धरती को वो कुछ और भी दे। अगली पंक्तियां हैं कविता की, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरी द्वार घर मेरी आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वह उसने जो अपने गांव से, देश से, आंगन से जो देश रक्षा के लिए जाते समय दूरी बना ली है उसके लिए वो उससे क्षमा मांगता है। वो कहता है कि अपने गांव, घर द्वार आंगन सभी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि क्योंकि वह इन सब का मोह त्याग कर देश की रक्षा के लिए जा रहा है, और वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसके एक हाथ में तलवार दे दो और दूसरे हाथ में उसे ध्वज यानी झंडा थमा दो। क्योंकि इस झंडा लेने का मतलब क्या हुआ कि इससे झंडा हम युद्ध में तब लेते हैं जब हमारा, हमारी विजय होती है। तो वहाँ पर कवि ने कहा है कि वो आज तलवार लेके देश की रक्षा के लिए जाना चाहता है, और जब वो जाए तो देश की रक्षा करे, और उसके बाद देश के जयगान के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के विजय के लिए वो अपने झंडे को ऊंचा करे। सुमन अर्पित चमन अर्पित दीन का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। फिर से एक बार पंक्तियाँ, सुमन अर्पित चमन अर्पित नील का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वे अपना घर, घर की प्रत्येक वस्तु, फूल, बगीचे, सभी कुछ अपने देश की धरती को समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं, और वो चाहते हैं कि अपने इस देश की धरती को अर्थात अपनी मातृभूमि को कुछ और भी दें, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मातृभूमि का कर्ज उनके ऊपर बहुत बड़ा है। तो अपनी देश के लिए वो सब कुछ समर्पण करने के बाद भी वो अपना उस कर्ज से मुक्ति नहीं पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में हम फिर और कोई विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।